नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज नगर में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जींद जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि स्थित है हरियाणा में। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अंदर आता है और यह दिल्ली फजिलका मेन लाइन, पानीपत दिल्ली ब्रांच लाइन, सोनीपत जींद ब्रांच लाइन पर स्थित है। यह स्टेशन समुद्र तल से 222 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का स्टेशन कोड JIND है, या फिर कह लीजिए जींद ही यहाँ का स्टेशन कोड है। यह स्टेशन पर डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड है, मतलब डबल लाइन है और पूर्ण इलेक्ट्रिफाइड है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ से प्रतिदिन 100 से भी अधिक ट्रेनें या तो पास होती है या अपनी जर्नी की शुरुआत करती है या फिर अपनी जर्नी का अंत यहाँ पर करती है, और लगभग 25,000 से भी अधिक यात्री डेली यहाँ से पास होकर गुजरते हैं या फिर यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत या फिर अंत करते हैं। दोस्तों प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की संख्या 4 है और नंबर ऑफ होल्टिंग ट्रेनों की संख्या यहाँ पर 46 है। ओरिजिनेटिंग ट्रेनों की संख्या, जो ट्रेनें यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करती है, उनकी संख्या 16 है और जो ट्रेनें यहाँ पर अपनी जर्नी का अंत करती है उनकी संख्या भी 16 ही है। दोस्तों जींद रेलवे स्टेशन कह लीजिए दिल्ली भटिंडा मेन लाइन पर स्थित है और यह स्टेशन पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाइड है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और अब इस स्टेशन के लिए, इस स्टेशन से नॉर्थ इंडिया के लगभग ज़्यादातर बड़े शहरों एवं नॉर्थ इंडिया के बड़े राज्यों से, लगभग सारे राज्यों से आप सीधी ट्रेनें ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ से प्रमुख ट्रेनें पंजाब मेल, अंडमान एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, नवयुग एक्सप्रेस, अत्योदय एक्सप्रेस और 3 शताब्दी ट्रेनें यहां से पास होकर गुजरती है। दोस्तों जींद जंक्शन हरियाणा के बिजनेस स्टेशनों में से एक है एवं बड़े स्टेशनों में से भी। दोस्तों अब बात करते हैं यहां की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों यह स्टेशन आम लोगों के लिए सन 1858 में खोला गया और इसके जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है वह 19वीं शताब्दी में पूरा किया गया, या फिर कह लीजिए 19वीं शताब्दी के अंत में उसका कार्य पूरा किया गया। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।